साथियों नमस्कार। गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कौन सा विषय ले रहे हैं? विषय तो हमारा गणित ही है, लेकिन गणित के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बातें हमें करनी होती हैं। तो आज हम जो विषय ले रहे हैं उसका नाम है औसत। ये औसत क्या है, चलिए मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। आप सभी को क्रिकेट देखने का शौक तो होगा, है ना? क्रिकेट मैच में आपने ये देखा है कि जब भी कोई नया बल्लेबाज बैटिंग करने आता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड बताया जाता है, और उस रिकॉर्ड में एक चीज़ आती है औसत। जिस खिलाड़ी का औसत जितना अच्छा होता है उसको उतना ही अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। कुछ समझ में आया औसत यानि क्या? चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ मैंने तीन चार चीज़ें लिख के रखी हैं जिनमें औसत का उपयोग होता है। तो क्रिकेट में औसत का मतलब क्या है ये समझने के पहले हम दूसरे नंबर के विषय पर आते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है? मध्यान्ह भोजन। आप सभी को अपने स्कूल में मध्यान्ह भोजन मिलता है ना? तो अब आप एक बात बताइए कि क्या आप रोज़ एक समान खाना खाते हैं? रोज़ उतना ही चावल, उतनी ही दाल खाते हैं, उतनी ही सब्जी खाते हैं सभी लोग? नहीं। यहाँ किसी दिन सब्जी ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा चावल खा लिया। किसी दिन दाल अच्छी बनी है, अच्छा लग रहा है, ज़्यादा चावल खा लिया। किसी दिन हम घर से कुछ खा के आ गए हैं तो हमने मध्याह्न भोजन में कम खाना खाया, है ना? ऐसा होता है ना? लेकिन फिर भी मध्याह्न भोजन में जो बनाया जाने वाला भोजन है वो सभी को, सभी के लिए पूरा हो जाता है, सभी लोग उसमें भोजन कर लेते हैं। तो क्या भोजन पकाने वाले को पहले से मालूम होता है कि कौन कितना खाने वाला है? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो उसे कैसे पता चलता है? यही तो है औसत। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। आप लोगों को शाला में, अपने स्कूल में हर साल ड्रेस मिलती है, है ना? मिलती है ना? तो ड्रेस, जब सिली सिलाई ड्रेस आपको मिलती है तो उसमें कभी कभी ही ऐसा होता है कि किसी बच्चे को ड्रेस या तो बहुत छोटी हो रही है या बहुत बड़ी हो रही है। लगभग सभी को ड्रेस अच्छे से आ जाती है, फिट हो जाती है ना? तो क्या दर्जी हर बच्चे का नाप लेके ड्रेस सिलता है? वो आपका नाप लिया गया है कभी? नहीं ना। तो दर्जी को कैसे पता चलता है कि ये सारे बच्चों के लिए किस नाप की ड्रेस सिलनी है? यहाँ भी औसत का उपयोग है। ऐसा ही एक और उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी दुकान में क्या रोज़ समान मात्रा में उतना ही सामान बिकता है? रोज़ किसी दिन बाज़ार का दिन होता है, उस दिन ज़्यादा बिक्री होती है। किसी दिन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन कम बिक्री होती है, है ना? तो ये अनुमान कैसे लगाया जाता है कि दुकान में कितना सामान कितने दिनों तक चलेगा? यहाँ भी औसत का उपयोग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हमने क्रिकेट मैच की बात की, सबसे पहले हमने क्रिकेट मैच की बात की, तो क्रिकेट मैच में हर खिलाड़ी हर मैच में अलग अलग रन बनाता है, अलग अलग विकेट लेता है। अगर वो बॉलर है तो अलग अलग विकेट लेता है, अगर बैट्समैन है, बैटिंग करता है, बल्लेबाज है, तो उसे हर मैच में क्या वो बराबर रन बनाएगा? नहीं ना। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हर मैच में
ज़्यादा ज़्यादा रन बनाते हैं, है ना। ऐसे खिलाड़ियों का नाम आप जानते हैं, आप बोल भी रहे होंगे, लेकिन अभी हमें खिलाड़ी के नाम से कोई काम नहीं है। तो क्रिकेट मैच में जो खिलाड़ी लगातार हर मैच में ज़्यादा ज़्यादा रन बनाता है उसको अच्छा खिलाड़ी माना जाता है और कहा जाता है कि उसका औसत अच्छा है। तो क्रिकेट मैच में रनों का औसत निकाला जाता है कि जिस खिलाड़ी ने लगातार मैचों में ज़्यादा ज़्यादा रन बनाए हैं उसका औसत अच्छा होगा, है ना, और उसे अच्छा खिलाड़ी माना जाएगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस खिलाड़ी ने पिछले 5 मैचों में लगातार 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं वो 6वें मैच में भी बना दे, हो सकता है वो शून्य में आउट हो जाए, लेकिन फिर भी उसे टीम से नहीं निकाला जाता। क्यों? क्योंकि उसका औसत अच्छा है, लगभग हर मैच में वो अच्छे रन बनाता है। तो ये पता कैसे चलता है? इसके लिए हम औसत का उपयोग करते हैं। देखिए, गणित का उपयोग क्रिकेट मैच में भी होता है। ऐसे ही मध्याह्न भोजन में आपको पता है या नहीं, आप रसोइया से पूछना कि हर बच्चे के लिए कितना भोजन बनता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मिडिल स्कूल में हर बच्चे के लिए 150 ग्राम चावल बनता है, है ना। लेकिन हर बच्चा 150 ग्राम चावल नहीं खाता, कुछ बच्चे 150 ग्राम से कम खाते हैं, कुछ बच्चे 150 ग्राम से ज़्यादा भी खाते हैं, है ना। तो सब मिलाकर एक अंदाज जो लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक समय के भोजन में 150 ग्राम चावल पर्याप्त है। कुछ बच्चे इससे कम खाते हैं, कुछ इससे ज़्यादा खाते हैं, सब मिलाकर 150 ग्राम के हिसाब से अगर बनाया जाए तो खाना कम नहीं पड़ता। ऐसे ही जो शाला की गणवेश सिलवाई जाती है उसमें ये अंदाज लगाया जाता है कि कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले बच्चों की ऊंचाई और वजन कितना होता है, उनका शरीर किस तरह का होता है, तो उसके हिसाब से ही दर्जी 6वीं के बच्चों के लिए ड्रेस सिलता है, ऐसा ही 7वीं के बच्चों के लिए, ऐसा ही 8वीं के बच्चों के लिए। और दूसरी बात, जब आप दुकान जाते हैं तो दुकान में तैयार कपड़े मिलते हैं ना, या आप जूते खरीदने जाते हैं तो, या आपके पिताजी आपके लिए जूते खरीदने जाते हैं, तो वो दुकानदार से क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ता है या इतने साल का है, 10 साल का है, 11 साल का है, 12 साल का है, मेरा बच्चा 12 साल का है, उसके लिए शर्ट चाहिए। तो दुकानदार को भी इस बात का अंदाज होता है कि 12 साल के बच्चे की ऊंचाई कितनी होगी, वो कितना मोटा हो सकता है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर नंबरों के अनुसार कपड़े होते हैं। तो दुकानदार अपने इसी अंदाज के आधार पर आपके लिए कपड़ा देता है, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये औसत के उस अंदर आती हैं, इन्हें ही औसत कहा जाता है। कि हम एक अंदाज लगाते हैं कि क्रिकेट मैच में कोई खिलाड़ी कितना रन बना सकता है, अगर हमें 10 लोगों के लिए खाना बनाना है तो हम कितना चावल बनाएं, या कितनी रोटियां बनाएं, या कितनी दाल बनाएं, कितनी उम्र के बच्चे के लिए कितना बड़ा शर्ट या कितना बड़ा पैंट या कितनी बड़ी फ्रॉक हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का अंदाज लगाने के लिए हम औसत का उपयोग करते हैं। चलिए पहले मैं आपको औसत का एक उदाहरण, औसत का एक सूत्र बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक उदाहरण देखेंगे और तब जहाँ तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये रहा आपके सामने औसत का सूत्र। औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यहाँ पर बटे का मतलब है भागित। तो आंकड़ों को जोड़कर आंकड़ों की संख्या से जब हम भाग देते हैं तो हमें औसत मिलता है। औसत कई चीज़ों का निकाला जाता है, जैसे हमने अभी कहा कि रनों का औसत, है ना। चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं। इस उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूँ कि, अच्छा पहले आप इस सूत्र को लिख लीजिए,
इस सूत्र को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर बटे का मतलब है भाग देना, तो आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से हमें भाग देना है। चलिए मैं यहाँ पर एक सवाल आपके लिए लिख रहा हूँ, उसमें इस सूत्र का उपयोग भी होगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली पांच लड़कियाँ हैं, पांचों का हम नाम रख लेते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है दीपा, है ना। तो दीपा का वजन है 27 किलोग्राम, सभी पांचवी कक्षा पढ़ने वाली लड़कियां हैं। दूसरी लड़की का नाम है मीता, इसका वजन है 25 किलोग्राम। तीसरी लड़की का नाम है सोनाली, और सोनाली का वजन है 28 किलोग्राम। इसके बाद आई अपर्णा, तो अपर्णा का वजन है 30 किलोग्राम। और एक और लड़की है माही, इसका वजन है 25 किलोग्राम। अब हमें पता ये लगाना है कि इन सब के वजन का औसत कितना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो संख्याएं आ रही हैं, दीपा का वजन 27 किलोग्राम, मीता का वजन 25 किलोग्राम, सोनाली का वजन 28 किलोग्राम, अपर्णा का वजन 30 किलोग्राम और माही का वजन 25 किलोग्राम, इन्हें हम कहते हैं आंकड़े, है ना। ये क्या है? आंकड़े। तो कोई भी सूचना जो संख्याओं के रूप में हमारे पास जमा होती है उसे हम कहते हैं आंकड़े, है ना। ये सभी क्या हैं? आंकड़े हैं, इन्हें हम गणित की भाषा में आंकड़े कहते हैं। तो हमारे पास पांच आंकड़े हैं और आंकड़ों का मान अलग अलग है, 27, 25, 28, 30 और 25। तो यहाँ पर जो आंकड़े हमारे पास हैं उन आंकड़ों की सहायता से हम इनका औसत निकाल सकते हैं, है ना। तो आंकड़ों की सहायता से औसत कैसे निकाला जाएगा? औसत निकालने के लिए अभी हमने एक सूत्र देखा था ना, बस उसी सूत्र का उपयोग कीजिए तो आपको औसत पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न है कि पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली पांच लड़कियां हैं जिनका नाम और वजन आपके सामने लिखा हुआ है, और हमें पता लगाना है कि इनका औसत वजन कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसके लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे जो अभी हमने लिखा था। तो वो सूत्र आया ये, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम अपने सवाल को यहीं पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आंकड़ों का योग में लिखा पांचों लड़कियों का वजन। दीपा का वजन था 27 किलोग्राम, मीता का वजन था 25 किलोग्राम, योग यानि जोड़, तो हम जोड़ का चिन्ह लगा के इनको लिख रहे हैं। 27 किलोग्राम, मीता का 25 किलोग्राम, सोनाली का 28 किलोग्राम, उसके बाद माही का वजन था 30 किलोग्राम, नहीं अपर्णा का वजन था 30 किलोग्राम और माही का वजन था 25 किलोग्राम। तो ये जो हमने लिखा ये हो गया आंकड़ों का योग। अब इसके नीचे हमें लिखना है आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो आंकड़ों की संख्या में हम लिखेंगे 5। अब इन पांचों संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 27 में 25 जोड़ा तो आया 52, 52 में 28 जोड़ा तो आया 80,
80 में 30 जोड़ा तो आया 110, और 110 में 25 जोड़ा तो आया 135। तो यहाँ पर हमें ऊपर आंकड़ों का योग मिला है 135, इसे हमने यहाँ लिख दिया, और इसके नीचे हमने लिखा 5। ठीक है, तो अब हमें 135 को 5 से भाग देना है और उसके बाद हमें औसत का मान मिल जाएगा, है ना। तो भाग देना तो आपको आता है, पहले इस 13 में 5 का भाग दीजिए तो 5 दूनी 10, फिर बचे 3, उसमें 5 उतारे तो हुआ 35, और 5 सत्ते 35, तो औसत वजन कितना आया, 27 किलोग्राम। देखिए, 5 लड़कियों के वजन से हमने एक अंदाज लगा लिया कि पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों का वजन लगभग इतना होता है। कुछ का वजन इससे कम हो सकता है और कुछ का ज़्यादा हो सकता है। एक बात पे और ध्यान दीजिए। चलिए, पहले तो ये बताइए कि ये तरीका आपको समझ में आया। अभी आपको अभ्यास के प्रश्न बनाने हैं, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये आपके सामने है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो मैं ख़ास बात आपको एक और बताने वाला हूँ वो ये है कि, चलिए इसे बंद करते हैं, और यहाँ पर हमने जो देखा था अभी, इन प्रश्नों, इस प्रश्न का उत्तर कितना आया है आपको याद है ना, अभी तो लिखा था कितना, 27 किलोग्राम, है ना, 27 किलोग्राम। तो 27 किलोग्राम का ये जो मान है, यहाँ पर देखिए कि ये मान इनमें से सबसे कम मान, इन वजनों में सबसे कम वजन किसका था, माही का, कितना, 25 किलोग्राम, और सबसे अधिक वजन कितना था, किसका था, अपर्णा का, और वो कितना था, वो था 30 किलोग्राम। तो सबसे कम मान था, वजन का सबसे कम मान था हमारे पास 25, और सबसे अधिक मान था 30। तो ये जो 27 आया है, ये सबसे कम और सबसे अधिक के बीच में ही कहीं है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि औसत का जो मान होता है वो दिए गए आंकड़ों में सबसे कम मान और सबसे अधिक मान के बीच में ही कहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा कठिन बात नहीं है, इसलिए मैं कोई और उदाहरण नहीं ले रहा हूँ, और आपके सामने अब आ रहे हैं आज के पाठ के अभ्यास के प्रश्न। कितने प्रश्न हैं आइए देखते हैं, केवल 2, है ना। तो पहले प्रश्न में आपको पता लगाना है कि सब्जी विक्रेता, सब्जी बेचने वाले ने रोज एक दिन में लगभग कितने रुपए कमाए, है ना। उसमें दिया गया है कि 5 दिनों में, पहले दिन 45 रुपए, दूसरे दिन 43 रुपए, तीसरे दिन 50 रुपए, चौथे दिन 52 रुपए, और पांचवें दिन 60 रुपए कमाए। तो उसने एक दिन में कितने रुपए कमाए, इसका हमें अंदाज लगाना है, है ना। और दूसरे प्रश्न में एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 6 मैचों में, पहले मैच में 20 रन, दूसरे मैच में 75 रन, तीसरे मैच में 25 रन, चौथे मैच में 100 रन, पांचवें मैच में 50 रन, और छठवें मैच में 60 रन बनाए। तो उसने औसतन हर मैच में कितने रन बनाए, है ना। तो ये जो 2 प्रश्न हैं इन्हें आपको बनाना है, और आपको 3-4 उदाहरण मैंने बताए जहां औसत का उपयोग होता है। औसत के उपयोग और कहां कहां पर किया जा सकता है, इसके बारे में आप सोचिए और इसका पता लगाइए। यहां पर जो 2 प्रश्न हैं, फिर वही बात कि इन 2 प्रश्नों से आपका अभ्यास पूरा नहीं होता, इस तरह के और प्रश्न आप बना सकते हैं। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, अभी हमने भार का उदाहरण देखा था ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ 5-5 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए, और 5ों दोस्त अपना वजन और ऊंचाई दोनों नाप लें,
उसके बाद उन पांच दोस्तों की ऊंचाई का औसत और वजन का औसत, आप अपने घर में रहने वाले सभी लोगों के ऊंचाई और वजन पता करके उनका औसत भी निकाल सकते हैं, है ना। तो प्रश्न आप स्वयं बनाइए, जब आप प्रश्न खुद अपने आप बनाएंगे तब आपको गणित समझ में भी आएगा और उसका उपयोग कहाँ होता है ये बात भी समझ में आएगी। ये गणित सीखने की बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।